इसमें सरकार के द्वारा इस देश के गरीब लोगों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नोटबंदी के वक्त यह कहा गया कि आप क्यों परेशान होते हैं, आपके पास 2,000-5,000 है, आप बैंक में खड़ा होकर के उसको बदलवा लीजिए, आप खुशी खुशी लाइन में खड़ा होकर के उसको बदलवा लीजिए। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन हमको दीजिए, 50 दिन में नोटबंदी के बाद आपको पता चलेगा कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई। टूट गई ना आतंकवाद की कमर, ऐसी टूट गई है कि आतंकवादी पुलिस ऑफिसर से लिफ्ट मांग करके दिल्ली आ रहा था। ऐसी कमर टूट गई है कि टूटी हुई कमर से पुलवामा का इतना बड़ा हमला हो गया। क्या कहा गया, काला धन वापस आ जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वो तो जिसके पास काला धन है उसको परेशान होना चाहिए। कितना काला धन वाला आपके साथ एटीएम के लाइन में लगा हुआ था, है? कितना दुनिया का देश का करोड़पति जो उसके पास अरबों खरबों करोड़ों रुपया है वो आपके साथ एटीएम के लाइन में लगा हुआ था। और उस वक्त भी मोदी जी के समर्थक क्या कह रहे थे कि जो जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं वो काला धन के समर्थक हैं। अब भी वो क्या कह रहे हैं कि जो जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं वो हिंदुओं के खिलाफ, ये कह रहे हैं ना, जो जो लोग सीए एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे हैं वो घुसपैठियों के साथ हैं, ये कह रहे हैं ना। जॉर्ज बुश भी यही कहता था, जॉर्ज बुश कहता था कि जो लोग अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होगा वो सब ओबामा के साथ खड़ा है। ऐसा है क्या, क्या हम अपनी देश की चुनी हुई सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते हैं कि 2 करोड़ नौकरी नौजवानों के लिए हर साल क्यों नहीं पैदा हुआ, ये नहीं पूछ सकते हैं कि ऐसा कानून बनाने का क्या जरूरत है जब देश में पहले से कानून है कि किसी को भी नागरिकता दी जा सकती है, ये नहीं पूछ सकते हैं कि जब इकोनॉमी इतने नीचे जा रही है तो 60,000-54,000 करोड़ रुपया खर्च करके एनआरसी करने का क्या जरूरत है। तो सवाल पूछना इस देश में गुनाह बना दिया गया है, और उस वक्त में जब सवाल पूछना गुनाह बना दिया गया है, आपके बाल बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आपके खून पसीने की कमाई से, आपकी बिना पे वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो जब वो सवाल पूछते हैं तो उनका सर फोड़ दिया जाता है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाने के लिए आए हैं।